देखिए फ्रेंड्स, आप अगर अपना जो कॉलेज और स्कूल अगर आप स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा जिससे और भी आप नॉलेज ले सकते हैं और आपका गवर्नमेंट के थ्रू से कुछ ना कुछ एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जो भी आप वहाँ पर कोर्स करेंगे वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आप प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करके जॉब को अचीव कर सकते हैं। तो कौन सा एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन को यूज करके आप अपने गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब के लिए सर्टिफिकेट जो होता है वो रिसीव कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में आप कोई भी कोर्स करेंगे वो होता है ऑनलाइन कोर्स, ना कि ऑफलाइन। ठीक है, एक होता है पेड, एक होता है फ्री। अगर आप पेड वाले करेंगे तो पेड में आपको जो भी आप कोर्स करेंगे वो कोर्स में जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपके गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई होगा, और जो आप फ्री में उसमें कोर्स करेंगे वो जो होगा वो आपका प्राइवेट जॉब में अप्लाई होगा। ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है कि फ्री वाला कोर्स होता है वो आपके गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई होता है, लेकिन पेड वाले जो भी कोर्स आप करेंगे उसमें आपका जो कोर्स होगा वो आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में काम आएंगे वो सर्टिफिकेट। ठीक है, जो आप पेड वाले करेंगे, ठीक है, इसमें आपको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए। आपको जो कोर्स होता है वो आप ऑनलाइन वीडियो देखकर कर सकते हैं, किसी में 8 घंटा है, किसी में 9 घंटा है। आप थोड़ा थोड़ा 1 2 3 4 वीडियो देख देख के डेली का आप कोर्स को 1 महीने में कंप्लीट करके आप सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन को यूज करके आप कोर्स कैसे कंप्लीट करेंगे और कौन कौन सा कोर्स है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, और आपको कैसे रिसीव करना है आपका सर्टिफिकेट, आपका जो भी कोर्स करेंगे वो कंप्लीट करने के बाद कैसे रिसीव करेंगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या आपको उस एप्लीकेशन में क्या क्या करना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ऊपर मिलेगी। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, जैसे कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन सा एप्लीकेशन है जिसको आप यूज करके आप अपना गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के लिए सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे वीडियो में देखते कोई हैं। भी ऑनलाइन कोर्स करके आप कैसे सर्टिफिकेट अचीव कर सकते हैं, सिंपली से मैं आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने से आपको बताते जाता हूँ प्रोसेस क्या क्या आपको करना है। ठीक है, सिंपली से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है NSDC ई स्किल, ये एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन का इंटरफेस में आपको शो कर दिया, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका पूरा डिटेल यहाँ पर देना है, जो भी आपका नेम वगैरह जो भी होगा आपको अकाउंट में देना है। अकाउंट में मेरा यहाँ पर सारा कुछ शो हो रहा है। ठीक है, प्रोफाइल में जाएंगे, सारा कुछ मैं यहाँ पर 100% फिल करके रखा हूँ, हिंदी इंग्लिश जो भी आप यहाँ से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लोर में क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर में बहुत सारा यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। ये सारे कोर्स से आप करके आप अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट अचीव कर सकते हैं। फ्री कोर्स भी है और पेड कोर्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कोर्स है तो सेलेक्ट द प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, AIF भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कूपन डाल के यहाँ पर आप 6 मंथ का यहाँ पर फ्री ले सकते हैं, जो आपका पेड होगा यहाँ पर अगर आपके पास कूपन है, कूपन कोड है तो डाल के यहाँ पर से कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारा यहाँ पर दिखेगा, और जो भी कोर्स आपको माइंड में है या आपको लगता है कि कोर्स ऑनलाइन में हो सकता है तो आप यहाँ से सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च में क्लिक करूँगा। सर्च में क्लिक करने के बाद मुझे बहुत सारा कैटेगरी मिल जाता है यहाँ पर कोर्स करने का, तो यहाँ से जो भी मेरे को कैटेगरी पसंद है यहाँ से मैं चूज करके अपना कोर्स को कर सकता है। उसके बाद सर्टिफिकेट कैसे लेना है, रिसीव कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं माई कोर्सेस में मैं यहाँ पर 3 कोर्स यहाँ पर मेरा चल रहा है। एक कोर्स तो मेरा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, मशरूम कल्टीवेशन। ठीक है, ये ख़त्म हो चुका है, फ्री कोर्स है, ये भी मेरा फ्री कोर्स है, कंप्यूटर मूल बातें, कंप्यूटर बेसिक सेक्टर। ठीक है, 25% मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और एक यहाँ पर है कंप्यूटर ड्राइवर रिपेयरिंग, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग सेक्टर। ठीक है, तो इसका मेरा 0-0 है, तो जो मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है उसको अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा कंप्लीटेड दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कंप्लीटेड दिखाएगा, तो यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है,
सर्टिफिकेट अचीव करने का, ठीक है। तो सर्टिफिकेट अचीव करने के लिए सिंपली से अगर आप पेड कोर्स किए हैं या फ्री कोर्स भी किए हैं तो आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट मिलता था पहले इसमें ऑप्शन आता था, अभी ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। आपको इनके जो मेल होता है, मेल सर्विस होता है, उनको मेल करना होगा अपना कोर्स का डिटेल के साथ साथ आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका नेम हो गया, आपका कोर्स क्या किए हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट देना है जो भी आप कोर्स किए होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पर 50 रुपीज पे करना होगा, उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपके ईमेल आईडी पर, ठीक है। वहाँ पर पीडीएफ फाइल में आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे आपको कहाँ पर मेल करना है, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं एनरोल किया हूँ, 3 कोर्स यहाँ पर ऑन गोइंग है, 2 कोर्स कम्प्लीट है, 1 कोर्स यहाँ पर बुकमार्क में कुछ ऐड नहीं किया हूँ, ठीक है। अगर आप कोई भी कोर्स सर्च करना चाहते हैं सर्च में जाकर सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट में जाऊँगा तो अकाउंट में सारा मेरा डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है, एनरोल ऑन गोइंग कम्प्लीट कोर्सेस यहाँ पर बुकमार्क कोर्स 0, ठीक है। नोटिफिकेशन यहाँ पर शो हो रहा है, जो भी नोटिफिकेशन आता है यहाँ पर शो होता है, ठीक है। उसका डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी, चेंज पासवर्ड, शेयर ऐप, रेट ऐप, बस इस एप्लीकेशन का इंटरफेस खत्म हो गया यहीं पर, ठीक है। अब चलते हैं, आपको अगर यहाँ पर से कोई भी कोर्स किए हैं तो आप कैसे यहाँ पर से सर्टिफिकेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। होम बटन में क्लिक करेंगे, होम बटन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मेल में क्लिक करना है। मेल में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाया था, मैं सेंड किया था जो मेल, और मेल का जो रिप्लाई आया था, क्या मेल का रिप्लाई आया था, यहाँ पर मैं 3 लाइन में क्लिक करूँगा, यहाँ पर सेंड में क्लिक करूँगा। सेंड में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ, टू स्किल इंडिया, ठीक है, टू स्किल इंडिया, यहाँ पर स्किल इंडिया सर्टिफिकेट दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं क्या क्या लिख के भेजा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फुल नेम भेजा हूँ, यहाँ पर फुल नेम भेजा हूँ, फादर नेम, कोर्स नेम, मेरा अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आप सेम टू सेम आपको भी ऐसा ही इंटरफेस या ऐसा ही आपको फिल करके भेजना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोफाइल का जो आपको मैं दिखा दिया था, प्रोफाइल सेक्शन में जो आपका कौन सा कोर्स चल रहा है, कौन कौन सा कोर्स कंप्लीट हो चुका है उसका स्क्रीनशॉट देना है, और जो आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है उसका भी स्क्रीनशॉट देना है। मिनिमम आपको 3 स्क्रीनशॉट देना है, उसके बाद आपको शेयर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर शो हो रहा है, कंग्रेचुलेशन मिस्टर आकाश प्रजापति, योर डिटेल गेट रिव्यू सक्सेसफुली, ठीक है। तो मेरा जो कोर्स है कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर मुझे सक्सेसफुली यहाँ पर मेरे कंग्रेचुलेशन यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको अगर आपका सर्टिफिकेट चाहिए 50 रुपीज़ पे करना होगा। 50 रुपीज़ कहाँ पे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर QR कोड मिला होगा, QR कोड में आपको जाना है, 50 रुपीज़ पे करना है। 50 रुपीज़ पे करने के बाद आपको अपना सर्टिफिकेट 24 आवर से 48 आवर तक आपको अपने ईमेल आईडी पर रिसीव हो जाएगा। कोई भी कोर्स आप करते हैं, फ्री कोर्स या पेड कोर्स, ठीक है। फ्री कोर्स में आपको पेड करना पड़ता है, और पेड कोर्स जो होता है उसमें आपको शायद से आपको पेमेंट करना नहीं पड़ेगा कोई भी सर्टिफिकेट अचीव करने के लिए, ठीक है। ये फ्री कोर्स में किया था इसलिए मुझे शायद यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा 50 रुपीज़ में पेमेंट करके यहाँ पर मैं अपना सर्टिफिकेट रिसीव कर लूँगा, अचीव कर लूँगा, ठीक है। तो मैं बैक कर लेता हूँ। इसी फॉर्मेट में आप अगर मेल भेजे होंगे तो आपको 24 आवर से लेके 48 आवर तक एक मैसेज रिप्लाई आएगा, उसमें आपको कंग्रेचुलेशन दिखाया जाएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपको 50 रुपीज़ पेमेंट करना है, उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट होगा आपको मिल जाएगा। अगर आप कंप्लीट किए हैं कोर्स तभी, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जितना भी कोशिश कर ले, ठीक है। तो ये हो गया, यही प्रोसेस करके आप यहाँ पर सर्टिफिकेट को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी को आप प्रिंट आउट निकाल कर आप घर पर या कहीं पर लगा सकते हैं, या आप अपने जॉब अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, वहाँ पर भी आप दे सकते हैं, वहाँ पर भी अटैच करके ले जा सकते हैं, ठीक है। होम बटन में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर सारा चीज़ मैं आपको बता दिया कैसे क्या करना है, ठीक है। अगर आपको और भी डिटेली इस एप्लीकेशन के बारे में समझना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस वीडियो में आपको इतने ही बताना था, वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, कि फ्रेंड्स आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ऊपर मिलेगी। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लें, जैसे कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो कहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।